बच्चों, मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था कि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर इस इंटीग्रेशन प्लस जी एक्स के बराबर है तो जी एक्स की वैल्यू क्या होगी। मतलब एक्स पावर फाइव अपॉन एक्स पावर फाइव प्लस वन टू द पावर फोर बाई थ्री का इंटीग्रेशन दिया हुआ था, बराबर थ्री बाई टू एक्स पावर फाइव प्लस वन टू द पावर फोर बाई थ्री का इंटीग्रेशन और प्लस जी एक्स, तो जी एक्स की वैल्यू निकालनी थी। तो बच्चों, आप लोगों में से कुछ लोगों ने तो इसको सही सही सॉल्व किया है और बहुत लोगों ने इसको सॉल्व नहीं भी किया है। तो इसमें जो सबसे मुश्किल जो दिखा होगा बच्चों को, वो यही फोर बाई थ्री दिखा होगा। इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है जिसमें पावर में वन बाई थ्री लिखा होता है या वन बाई फोर लिखा होता है, फाइव बाई नाइन लिखा होता है, कुछ भी फ्रैक्शन पावर लिखी होती है और बच्चे फंस जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ खास तरीका अपनाना होता है, कुछ कॉमन लेने वाला तरीका अपनाना होता है। तो इसमें देखो, जब ऐसा कभी क्वेश्चन देखा करो तो अंदर से कुछ कॉमन लेके बाहर निकालने की कोशिश किया करो, ठीक है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लोगों को इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। पहले तो इस ये जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है ना, इसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स टू द पावर फाइव माइनस थ्री बाई टू अपॉन एक्स टू द पावर फाइव प्लस वन टू द पावर फोर बाई थ्री डी एक्स बराबर जी एक्स बनेगा, सीधा सीधा, है ना। देखो, जब इसको तुम लेफ्ट साइड में ले आओगे तो ये और ये तो कॉमन हो जाएगा, मतलब एक्स पावर फाइव प्लस वन टू द पावर फोर बाई थ्री तो कॉमन ही है, तो एक्स पावर फाइव माइनस थ्री बाई टू बचेगा, तो माइनस थ्री बाई टू मैंने इधर कर दिया, ठीक है। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, इस इंटीग्रेशन को हम लेफ्ट साइड में ले आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सही कर लिया जाए, इसमें हम लोग वन बाई टू कॉमन ले लें और ये बन जाएगा टू एक्स पावर फाइव माइनस थ्री, ठीक है। और इसके बाद बात सोचेंगे कि क्या करना है, पहले इसका थोड़ा चेहरा सुधार कार्यक्रम चला लिया जाए। देखो, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब जी एक्स बराबर ये दिया हुआ है, मतलब ये इंटीग्रेशन तुम सॉल्व कर लो तो वही जी एक्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व कैसे करें, इसमें कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों, इसमें जब फ्रैक्शन पावर होता है और अंदर कोई अलजेब्रिक पॉलिनोमियल टाइप में कुछ चीज़ें दी हुई होती हैं, तो हम लोग को इसमें कुछ कॉमन लेना होता है। तो जैसे यहाँ पर हम जो कॉमन लेंगे, अगर एक्स पावर फाइव कॉमन लेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, अगर मैं यहाँ पे एक्स पावर फाइव कॉमन लूँगा तो एक्स पावर फाइव और फोर बाई थ्री कट नहीं पाएगा। देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक्स पावर फाइव कॉमन ले लेता हूँ तो एक्स पावर फाइव प्लस वन और होल टू द पावर फोर बाई थ्री बनेगा, ऐसा कुछ रहेगा ना, टू एक्स पावर फाइव माइनस थ्री ऐसा कुछ रहेगा, है ना। तो अगर मैं एक्स पावर फाइव कॉमन ले लेता हूँ तो ये एक्स पावर फाइव को जब मैं बाहर निकालने लगूंगा तो ये ठीक से बाहर नहीं निकलने देगा, मतलब एक्स की पावर ट्वेंटी बाई थ्री निकलेगा और एक्स पावर ट्वेंटी बाई थ्री थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बना रहा है चीज़ों को। तो कुछ ऐसा निकालो जो इस थ्री से कट जाए, समझ में आ रही बात, क्या चीज़ पकड़ना है। देखो, फ्रैक्शन पावर में आप जो डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, इसको देख करके कॉमन लेने की कोशिश किया करो तो आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इधर जेई मेन में, जेई एडवांस में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तुम्हारे बोर्ड में भी ऐसे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ऐसा नहीं कि बोर्ड में जो है नहीं है, बोर्ड में रहता है मगर कम रहता है, और वो बड़ी टेक्निकल चीज़ रहती है और वही जेई मेन और जेई एडवांस में उसको हाईलाइट कर लेते हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बड़ा क्वेश्चन बना देते हैं, ठीक है। तो आप लोग की ड्यूटी है कि आप लोग कहीं से कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो छोटी सी बात लिखी हुई है उस पर भी बहुत ध्यान देना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर अब x पावर थ्री पहले कॉमन लेंगे, भाई अगर नीचे थ्री लिखा हुआ है तो हम एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते तो एक्स क्यूब इस फोर बाई थ्री पावर के साथ मिल करके एक्स पावर फोर बनता, होल पावर बनता। और एग्ज़ाम में जब देखो क्वेश्चन जब टीचर बनाते हैं ना, तो वो बहुत फ्रैक्शन पावर को सोच के नहीं बनाते हैं, वो इसी तरीके से बनाते हैं कि वो एक्स क्यूब अंदर पूरा पूरा चला जाए और एक्स क्यूब अंदर जाते समय कोई दिक्कत ना हो, है ना, और क्वेश्चन अच्छा दिखे। तो इस उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि ये फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा नहीं घुसते हैं और फ्रैक्शन में रहता है, दिखता तो है फ्रैक्शन में पर वो होल पावर में कुछ सिस्टम रहता है उसके अंदर। तो देखो, यहाँ पर क्या करना है, अगर हम एक्स क्यूब इसमें कॉमन ले लें, मैं इसमें एक्स क्यूब कॉमन ले रहा हूँ, तो वन बाई टू टू एक्स पावर फाइव माइनस थ्री और यहाँ पर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले ले रहा हूँ तो एक्स क्यूब, तो एक्स स्क्वायर कितना जाएगा, स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स क्यूब, ठीक है, और होल्ड द पावर फोर बाई थ्री डी एक्स ऐसा बनेगा। अगर देखो इससे काम नहीं बनेगा तो हम एक्स पावर सिक्स कॉमन लेंगे,
अगर उससे भी काम नहीं बनेगा तो एक्स पावर 9 कॉमन ले लेंगे, नहीं तो एक्स पावर 12 कॉमन ले लेंगे। मगर नीचे जो 3 लिखा हुआ है ना डिनोमिनेटर में, पावर में जो फ्रैक्शन पावर दिया हुआ है ना, तो इसके जो डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसको देख करके हमें कॉमन लेना चाहिए, ठीक है। तो और यही सबसे मेन चीज़ है जो इस क्वेश्चन में तुम लोगों को समझाना चाहता हूँ। तो देखो एक्स क्यूब जब बाहर निकलेगा तो वो क्या बन के निकलेगा, वो इसमें जब बाहर निकलेगा तो एक्स पावर 4 बन जाएगा। एक्स क्यूब जब एक्स क्यूब की पावर 4 बाई 3 बनेगा, एक्स क्यूब की पावर 4 बाई 3 तो 3 कट जाएगा और ये एक्स पावर 4 बन जाएगा, है ना, समझ में आ रही बात। तो यहाँ पर 1/2 2x की पावर 5 माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 दिखाई देगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा बनेगा। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व ही हो जाएगा, पर ये मैक्सिमम जगहों पर काम आ जाता है और टीचर की मेंटेलिटी होती है कि वो उसे अच्छा दिखा भी दे और उसका सल्यूशन है उसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी ना आ जाए फ्रैक्शन को लेकर के। तो फिलहाल एक्स पावर 4 जो है यहाँ बाहर निकला और एक्स पावर 4 को सीधा सीधा इसमें डिवाइड कर लो तो ये बन जाएगा 1/2 और 2x माइनस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 4 और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और होल टू द पावर 4/3 dx। अब तुम लोगों को समझ में, इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों अब समझ में आ रहा होगा इसमें कि इसी का डेरिवेटिव ये दिखाई दे रहा है। अगर तुम एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करो तो 2x माइनस 3 अपॉन एक्स पावर 4 दिखाई देगा और इसी को देख करके, इसी को सोच करके ये क्वेश्चन बनाया गया था। जब टीचर लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना तो जैसे नीचे अपना कुछ लिख दिया, पावर कुछ भी चढ़ा दिया, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव यहाँ पे सेट कर दिया, तो क्वेश्चन बना है यहाँ से। टीचर ने ये पहले सोचा था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए और इसको बदल करके, ठीक ठाक करके इस तरह से दिखा दिया कि बच्चा फंस जाए। तो क्वेश्चन इस तरह से सोचा जाता है, तो टीचर ने क्या सोचा होगा थोड़ा इस बात को भी आप लोग अगर ध्यान दोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये बराबर जी एक्स, अब इसको सॉल्व करना है तो इसको टी मान लेंगे, जाहिर सी बात है आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे, इसको टी मान लोगे तो जाहिर सी बात है 2x माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4 dx बराबर dt बन जाएगा। और जब इसको आप इसमें रखोगे तो 1/2 और यहाँ पर dt अपॉन t की पावर कितना बन जाएगा 4/3 और ये बन जाएगा 1/2 t की पावर माइनस 4/3 dt और ये जो है पूरा का पूरा gx के बराबर है, ठीक है। तो मैं इस gx को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देन gx बराबर ये, ठीक है, ये जो है यहाँ लिखा जा रहा है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो ये जो दिख रहा है आपको, इसमें मैंने क्या किया, इसको t मान लिया तो ऊपर वाला dt बन गया, तो ये dt अपॉन t की पावर 4/3 बन गया, ठीक है। तो ये जो पूरा दिख रहा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो पूरा दिख रहा है आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने gx बराबर इसको t माना और ये dt बन गया dt अपॉन t की पावर 4/3 है और जाहिर सी बात है t की पावर माइनस 4/3 बन जाएगा, अब इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो gx बराबर कितना जाएगा 1/2 और टी की पावर माइनस 4/3 प्लस 1 माइनस 4/3 प्लस 1 अपॉन माइनस 4/3 प्लस 1, अब तो फॉर्मेलिटी ही रह गई, ठीक है, और प्लस सी कर देंगे, मतलब 1/2 और टी की पावर कितना जाएगा माइनस 1/3 और यहाँ पे नीचे माइनस 1/3 और ये बन जाएगा 3/2 माइनस 3/2 और टी की पावर माइनस 1/3 और प्लस सी भी लगा देंगे, ठीक है, प्लस सी भी लगाते चलो और ये बन जाएगा हमारा माइनस 3/2 और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू हमारी कहाँ गई, हमने ये माना था t ना, तो यहाँ पर ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब और पावर माइनस 1/3 प्लस c। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरह सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चनों में जब फ्रैक्शन पावर, देखो इस क्वेश्चन का जो बेसिक एम ये है तुम लोगों को मैं ये समझा सकूं कि ये जो फ्रैक्शन पावर है इसको देख करके हम लोग पकड़ते हैं क्वेश्चन को। देखो जब तुम लोग ये क्वेश्चन देखते हो तो सबसे पहले तुम लोग इस तरह के जो क्वेश्चंस देखते हो आप लोग, तो सबसे पहले आप लोग कहाँ देखते हो, आप लोग वहीं देखते हो जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा टेक्निकलिटी होती है। तो यहाँ पर टेक्निकलिटी ज़्यादा है तो आप लोग बार बार 4/3 पर आ रहे हो ना, तो आप लोग इसको इससे मुँह मत मोड़ो, इसमें ध्यान दो कि इसमें जो क्या हम कर सकते हैं कि ये जो है जो फ्रैक्शन पावर दिया उसमें उससे हम आगे बढ़ सके या उसको हम डील कर सके। तो जैसे ही फ्रैक्शन पावर देखा करो तो मेरी इस बात को जरूर ध्यान रखना कि उसमें से डिनोमिनेटर को देख करके कॉमन लेने की बात सोचनी चाहिए। कहीं कहीं पर किताबों में लिखा रहता है इसमें डायरेक्टली ऊपर नीचे डिवाइड कर दो,
ठीक है, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, अरे जादू है क्या, समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाता है कुछ लोगों को, पर अंदर से कॉमन लेके बाहर निकालना ज़्यादा आसान होता है। अब जैसे मान लो अंदर x की पावर 7+1 लिखा हुआ है और बाहर मान लीजिए 5/4 लिखा हुआ है, तो अब आप लोग ये बताओ इसमें से क्या कॉमन लेना पसंद करो। इसमें से x पावर 4 को पहले कॉमन लो, फिर x पावर 8 कॉमन लो, फिर x पावर 12 कॉमन लो, ताकि ये जो 4 फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर में जो 4 दिख रहा है ना, ये कैंसल आउट हो जाए। तो आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में जो फ्रैक्शन पावर को देखोगे और फ्रैक्शन पावर को देख करके इसके जो डिनोमिनेटर को है ना, इसको देख करके कॉमन लेके बाहर निकालने की कोशिश करोगे, और फिर ये क्वेश्चन मैक्सिमम चांस होता है कि ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज इस क्वेश्चन का जो उद्देश्य था वो यही था जो मैंने आप लोगों को बताया, इस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, कैसा अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो चलो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, बाय बाय।